ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਆ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਪੇ ਆਪਕਾ? ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਤੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਉਨਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਉਨਕੋ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਤੇ ਹੈ? ਆਪ ਸਮਝੀਏ, ਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਪੀ ਕਾ ਅਫਸਰ ਮਾਰ ਦਿਆ ਥਾ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿਆ ਥਾ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਥੀ ਉਸਮੇਂ ਬੰਬ ਫੇਂਕ ਦਿਆ ਥਾ। ਅਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਬਤਾ ਦੀਏ। ਪੁਲਿਸ ਬੇਗਨਾ ਪੁਲਿਸ ਆਦਮੀਓ ਕੋ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਂ ਬੰਬ ਫੇਂਕ ਦੇਣਾ, ਵੋ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤੋ ਟੈਰਰ ਨੇ ਤੋ ਸ਼ਪਤ ਹੀ ਉਨਕੇ ਗਾਉਂ ਮੇਂ ਲੀ ਹੈ। कुछ भी हो पर टेररिस्ट तो है, अगर आप बेगना पुलिस आदमियों को मार देंगे, पार्लियामेंट पार्लियामेंट में बम फेंक देंगे, भिंडरावाला की लोग तस्वीर लगाते हैं, ये आर्गुमेंट नहीं है। टेररिस्ट भिंडरावाला टेररिस्ट टेररिस्ट भिंडरावाला क्या है? भिंडरावाला क्या गोडसे के लिए आपका क्या कहना है? महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, लेकिन आज की सरकारें गोडसे को देशभक्त कहती हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो यही तो बात है, इनकी डबल स्टैंडर्ड है। जो इनको अच्छा लगता है प्रेस को, इसने कम गिनती सिखों के ऊपर रोब डाल के हमको गलत बात कहने को बताते हैं। इनके प्रेस अब बीजेपी आरएसएस की तरफ हो गई है और सब गलत बातें भगत सिंह को कह रहे हैं कि वो हीरो है, और गॉड से भी कहते हैं हीरो है। मुझे तो नहीं समझ भिंडरावाला क्या है सर? भिंडरावाला के लिए क्या सोच रखते हैं सर आप? भिंडरावाला नेशनल लीडर था सिखों का, वो आज़ादी दिलाना चलाता था, तो वो एक बहुत बड़ा सिखों का लीडर था। लोग उसकी तस्वीर लगाते हैं, और अभी पीछे जो पन्नू है उसने यहाँ पर पोस्टर लगवा दिए करनाल में कि खालिस्तान बनेगा, हरियाणा का भी उसका हिस्सा होगा, आप उसे सही मानते हैं सर? हाँ, करनाल तो फिर पंजाब में जाना चाहिए ना। मैंने तो बोला कि मेरठ की डिवीज़न आपके पास आनी चाहिए, सहारनपुर की आनी चाहिए, मेरठ की आनी चाहिए, भरतगढ़ की भरतपुर की आनी चाहिए। तो करनाल और इससे जो नॉर्थ को इलाके हैं वो तो पंजाब में लगेंगे। पंजाब में खाली